तो अभी हम सीखेंगे उत्तराखंड के अंदर गन्ना कैलेंडर कैसे देखें, किस ऐप के थ्रू देखना है और कैसे कैसे डिटेल फिल करनी है, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाके आपको, जब आप प्ले स्टोर खोलोगे कुछ ऐसा खुलेगा, तो आपको सबसे पहले UKKISAN किसान, यूके किसान ऐप सर्च करनी है। उसके बाद ये जो विनोद कुमार मिश्रा वाली ऐप है, ये इसको आपको इंस्टॉल करना है। 1.2 MB की ऐप है, मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो मुझे यहाँ पे सीधा ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। आपको ये फिर पहले इंस्टॉल कर लेनी है, फिर आपको ये ओपन करनी है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये सबसे पहले तो आपको अपनी सोसाइटी सेलेक्ट करनी है कैलेंडर देखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मेरी सोसाइटी ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और फिर आपको यहाँ फार्मर यूनिक कोड डालना है, कोई भी आपको पर्ची पड़ी हो आपके पास में, उसमें आप चेक कर सकते हो, उसमें ये दिया हुआ होता है। तो जैसे कि मैं डालता हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका फार्मर कोड। फार्मर कोड में बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पे क्या डालना है। फार्मर पासवर्ड में कभी कुछ बनाया तो है नहीं पहले लॉगिन, तो किया नहीं कभी, साइन अप तो हुआ नहीं। तो आपने यहाँ पे जो आपका लिंक्ड अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसकी लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पे डालनी है। जैसे कि ये मैंने अपने की डाल दी। उसके बाद आपको लॉगिन क्लिक करना है, और ये देखिए लॉगिन हो गया। ये मेरे यहाँ पर मेरे अकाउंट की डिटेल आ गई, नाम और सब कुछ। देखिए नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया यहाँ से, और ये आ गया मेरा कैलेंडर। उसके बाद अगर ये आपके फ़ोन पे अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है, साइड से नहीं दिख रहा है, तो आप फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं। फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं और ये आ जाएगा। उसके बाद इस ऐप में बाकी की सभी तरह की आपको डिटेल मिल जाएंगी। और लॉगआउट पर आखिरी में जाके आपका लॉगआउट पर क्लिक हो जाएगा, और लॉगआउट के बाद फिर से ये इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप अपना सोसाइटी सेलेक्ट करके कोड डाल के, और आपके अकाउंट के लिंक्ड अकाउंट जिसमें आपका ये जो खाते से पैसे आते हैं, उसकी लास्ट की 4 डिजिट डालनी है आपको, और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। चल ठीक है, थैंक यू।